नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर देश के पहले नारद मंदिर का निर्माण हुआ था। जी हां दर्शकों, नारद जी के दुनिया के सबसे पहले पत्रकार थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवऋषि नारद ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से 6 थे, जिन्होंने कठिन तपस्या करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। तो चलिए आज इस खास बात में हम आपको बताते हैं कि देश में स्थापित इनके मंदिर के बारे में। जी हाँ दर्शकों, देवऋषि नारद धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का नाम मन कहा गया है। भगवान का मन कहने वाले ये देवता शास्त्रों में कहलाए गए हैं। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विधाओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर किया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्वता को स्वीकार करते हुए कहा था कि देवऋषि में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में 3रा अवतार ग्रहण किया और सातप्त तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, का उपदेश दिया, जिसमें 7ों कर्मों के द्वारा भव वंदन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया। नारद जी मुनियों के देवता थे। जी हाँ दर्शकों, मथुरा वृंदावन के गोवर्धन मार्ग पर भगवान नारद जी का मंदिर स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापना के लिए नारद जी की मूर्ति का निर्माण शहर के एक प्रगतिशाली कलाकार द्वारा किया गया था। इसके अलावा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर नारद कुंड के पास मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो 4 वर्ष चलने के बाद पूरा हुआ था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह देश का पहला नारद मंदिर है। मंदिर में विराजमान की जाने वाली मूर्ति के निर्माण की जिम्मेदारी शहर के प्रतिभाशाली कलाकार को दी गई थी, जिनका कहना है कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें दुनिया के पहले नारद मंदिर का मूर्ति बनाने का मौका मिला। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पुराणों में मंदिर का निर्माण कार्य करवा रहे दीन बंधु देवशरण महाराज मथुरा वृंदावन पर कई शोध कार्य कर चुके हैं। उनके अनुसार पुराणों में इस स्थान को नारद जी का स्थान माना गया है। नारद जी ने भक्त प्रहलाद की मां कयादु को इस स्थान पर प्रवचन दिए थे। जब प्रहलाद गर्भ में था, वहीं ध्रुव को भी नारद जी ने इसी स्थान पर प्रवचन और दीक्षा दी थी। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।